you have to focus more on the insurance part because you need to get exposure of labor laws. आपके सिलेबस में भी शायद कॉम्पेंसेशन पढ़ना है, है? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पढ़ना है, होगा डीटेल में तो है शायद, तो लगता है आगे पढ़ना होगा और नेक्स्ट ईयर शायद एचआर भी पढ़ना है ना, फाइनल ईयर भी, हाँ तो उसमें होगा, लेबर लॉ जरूर होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप समझिए, आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर इट, हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सोशल सिक्योरिटी के लेजिस्लेशन में, यानी सोशल सिक्योरिटी में जो लॉ आता है वो सिर्फ एक तरीके का लेबर लॉ है। लेबर लॉज बहुत ज्यादा तरीके के होते हैं, ठीक है, और सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन सिर्फ एक टाइप का लेबर लॉ, ठीक। अब आप अपनी कॉपी में एक चार्ट बनाइए और ध्यान से समझिए कि जैसे सोशल सिक्योरिटी का लॉज कौन कौन सा होता है। लेबर लॉस, ये बताइए लेबर लॉस से क्या समझते हैं आप लोग? लेबर के वेलफेयर के लिए, वेरी गुड। क्या नाम तुम्हारा? लेबर लॉज प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयर हमेशा माइटर होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो, अगर लॉज नहीं हो। देखिए जब अनाउंस, पहले भी हम आपको ये क्लास में बता चुके हैं, आपके घर मेड काम लेबर लॉ क्यों सुविधा के लिए लाया जाता है, क्या है लॉ? नहीं ये तुम थोड़ा सा अलग एंगल से बोल रहे हो, ऊपर वाला उससे ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा, हाँ एक्चुअली इसी के लिए, उसके लिए वो जो वो बोली वो थोड़ा डिसेबलमेंट वगैरह में चली गई, लेकिन वो जो बोला और ये जो बोला ये पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। देखो जैसे ऐसे समझो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ गवर्नमेंट का लॉ लागू नहीं होता है, जैसे तुम्हारे घर में मेड काम करती है, अगर वो मेड एजेंसी से उठाई हुई नहीं है, है ना, एजेंसी वगैरह से भी आप हम लोग लेते हैं ना, राइट, तो एजेंसी से जैसे अगर मेड नहीं उठाई हुई है, तुमने जस्ट हम उसको उतना पैसा नहीं दे जितनी ये मेरी बात है, जितना मेरा उसके एक साल के एग्रीमेंट में है, तो एजेंसी वाला मुझे चार्ज कर सकता है कि मैम ये पैसा आपको देना ही देना है, पर मेरे घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करती है उनको अगर हम पैसा कम भी दें और हम एक्सप्लॉइट करें कि 1500 देना है हम तुमको 1200 ही देंगे, तो वो मेरा पुलिस में कंप्लेन नहीं कर सकती है जाके, समझ में आई बात? कोई ऐसा, क्योंकि उसको कोई लॉ गवर्न नहीं करता, समझ में आई बात? बनिया की दुकान पे जो लड़का काम करता है उसको सुबह से शाम तक, अगर मान लो वो बोला कि सुबह 8 बजे दुकान खुलेगी एंड देन द शॉप विल शट डाउन एट 8 o'clock, लेकिन वो रोज 9 बजे बंद करवाता है कि चलो सामान अंदर रखो और सब समेटो, तो क्या वो कंप्लेन करता कर सकता है? नहीं, नहीं, वो ऐसे ही उठाया हुआ है। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एयरपोर्ट, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वो अगर ले करके आया है मजदूरों को और जो सरकार का मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है, मिनिमम वेज एक्ट 1948, न्यूनतम मजदूरी 1948 एक लॉ है, अगर वो उसके तहत उसको जितना मिनिमम सरकार ने फिक्स किया है उतना नहीं देता है और ये लेबर ऑफिसर को अगर कंप्लेन चला जाता है, देयर कुड बी सीरियस एक्शन ऑन द एम्प्लॉयर, ठीक है। एचआर का रोल सिर्फ इसी से सीमित नहीं होता है, जैसे आप कंपनी में भी जो एचआर मैनेजर्स होते हैं ना, सी
सीनियर हो जाते हैं, दे हैव टू गो टू लेबर कोर्ट भी जाना पड़ता है इन लोगों को जो सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ लेबर को लेके खटपट चलती ही रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। पैसा नहीं दिया, बोनस नहीं दिया, कुछ पैसा काट लिया, ओवरटाइम कराया, उसका पैसा तो कुछ कुछ लेकर के, समझ आई बात। लेबर लॉज इसीलिए फ्रेम किया गया है क्योंकि लेबर कमजोर वर्ग का होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाना आसान है, क्योंकि जिसके पास खाने को पैसा नहीं है वो कोर्ट कचहरी दौड़ने नहीं जाता, नहीं ना जाएगा, कि वो तो काम ढूंढेगा, मालिक दे दीजिए, मालिक दे दीजिए, यही होता है ना, पैसा है नहीं उसके पास, राइट। दिस इज वाई लेबर लॉज हैव बीन इनएक्टेड फ्रॉम टाइम एंड अगेन। समय समय पे जितनी जरूरत महसूस हुई उस हिसाब से अलग अलग लेबर लॉज को लाया गया, इनैक्ट किया गया, जरूरत महसूस हुई। अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके ऊपर एक बाइंडिंग है, एक ऑब्लिगेशन है कि आपको इन इन चीजों का ध्यान रखना है। जब हम लोग कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट कर रहे थे तब उसमें कॉम्पेंसेशन मैनेजमेंट में एक फंक्शन उसका ये भी देखे थे ना, स्टैट्यूटरी या लीगल कॉम्प्लायंस। तो जो सरकार का दिया हुआ नियम कानून है, जो कानून है उसको फॉलो करना ही करना है किसी भी एम्प्लॉयर को, नेसेसरी। हाँ ठीक है, लेबर लॉज आप समझ गए कि व्हाई इज लेबर लॉ इनएक्टेड। सी, अ लेबर अंडरगोस वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। अलग अलग तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, तुमने जो बताया वो एक टाइप का प्रॉब्लम है कि डिसेबल हो गए या डेथ हो गया वर्किंग प्लेस पे, तब क्या होगा। तुमने जो बताया कि वेलफेयर होना चाहिए, ये एक तरीके का प्रॉब्लम है। मान लो कि डिसेबलमेंट का उसको पैसा मिल गया डेथ का, तो क्या उसके वेलफेयर के लिए सरकार को काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। वो उसने वेलफेयर बोला। मान लो कि वेज के लिए, वेज की बात करो, देखो ये रिकॉर्ड है, दिस इज द स्टैटिस्टिक्स, दिस इज अ गिवन स्टैटिस्टिक्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की, लगभग 60% जो लेबर केसेस के कंप्लेन आते हैं, 60% ओवर 60% कंप्लेन्स आर रिलेटेड टू वेज। पैसे क्यों ही रिलेट करके 60% केस आते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह आप जितना देखेंगे वो जनरली पैसे को लेकर के होता है, कुछ पैसे के अलावा भी होता है। जैसे जैसे कि मैं आपको बताते हैं कि पैसे के अलावा आप सोच नहीं पाएंगे कि लेबर पैसे के अलावा क्या सोच सकता है। जैसे कि इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन रेलवेज के ड्राइवर को ड्राइवर ही बोला जाता था, इंडियन रेलवेज के ड्राइवर को ड्राइवर ही बोला जाता था। आई थिंक ये चीज है, लोको पायलट भी बोला जाता ना मैम, अब बोला जाता है, वही बता रहे हैं 1994 में। बट उनको लगा, जो ड्राइवर्स थे वो यूनाइट हुए, उनकी ट्रेड यूनियन यूनाइट हुई, एंड दे सेड कि दिस इज वेरी अनहाइजीनिक टू द एनवायरमेंट ऑफ माय चाइल्ड। हमारे बच्चे लोग स्कूल में अच्छे अच्छे, जबकि रेलवे के ड्राइवर को अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है, कार को ड्राइवर को अच्छा पैसा मिलता है, वो एक अच्छी जिंदगी अपने फैमिली को, बच्चों को एजुकेशन वगैरह सब दे सकते हैं। बट द थिंग इज कि कि वो नाम जो है, जैसे आप ट्रक का ड्राइवर है और तुम ट्रेन का बोलोगे तो थोड़ा सिमिलर लगता है ना, सोसाइटी का परसेप्शन की बात करो तो वो बोले कि बहुत अनहाइजीनिक है, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, हमारे बच्चों को चढ़ाया जाता है कि पिपा के कहीं पड़ा हुआ होगा, ड्राइवर का इमेज किस तरीके का है, ट्रक व्रक के ड्राइवर का कैसा इमेज है। फिर बिन पैसे की कोई बात नहीं थी इसमें, उन्होंने सरकार से ये बोला कि आप हमारा नॉमेनक्लेचर चेंज कीजिए, ठीक है, आप हमारा, तुम्हें कुछ बोलना है, बराबर उसके कान में कुछ बोल रहे हो, हम देख रहे हैं बहुत देर से। तो कि उसके इमेज के लिए, उसके हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे जाते हैं उठते बैठते हैं स्कूल में चढ़ाया जाता है, या हमारे सोसाइटी में भी जो एक परसेप्शन ड्राइवर के नाम की वजह से बना हुआ है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। मास रिवॉल्यूशन हुआ इस बात पे, ठीक है, फिर उसको सरकार ने कंसिडर किया, फिर सारी कमेटी बैठी, मतलब कुछ प्रोसेस सरकारी चीज तो होते होते समय लगता है ना, कमेटी बैठेगी फिर डिसाइड करेगी फिर क्या निकलेगा,
फिर उस चीज को 6-7-8 महीने के बाद ये मांग मानी गई उनकी एंड देन आज चंद्र बनर्जी क्या है, क्या बोला जाता है रेलवे के ड्राइवर को, उसको पायलट, एक ही बात सरकार ड्राइवर उठा के पायलट बना देती है, ठीक है। तो बिना पैसे का भी मैटर होता है, जो लेबर के लेबर या वर्कर्स की ग्रीवेंस का मैटर बन सकता है, सोशल रिस्पेक्ट। तो ये लेबर लॉ सिर्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होता है। जब आप लेबर लॉज पढ़ेंगे तो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट रट लोगे किताब से, देखिए समझो बात क्या है, ठीक है। कि किताब से पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ तो लोगे, समझ में आएगी बात, पीडीएफ तो तुम भी डाउनलोड कर लोगे कहीं से, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करना ही है क्योंकि वो वीक है, लेकिन उसके सोशल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। कई बार रेगुलेशन उसके सोशल इंटरेस्ट की वजह से हुआ, और ये लॉज ही है जिसकी वजह से लेबर एम्पावर्ड है। जैसे बहुत सारे, जैसे टाटा वगैरह में ना लेबर आज भी यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टाटा वगैरह में आज के देखो, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया ना, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स बढ़ना शुरू हो गया, कंपनीज भी तेज हो गई, ग्रेच्युटी अप्रेंटिस को नहीं दिया जाता है, पीएफ अप्रेंटिस को नहीं दिया जाता है, यानी जितना ज्यादा परमानेंट वर्कफोर्स कोई कंपनी रखेगी उतना उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा कि नहीं, तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो कहेंगी तो तुमको बेनिफिट देना होगा। कंपनीज भी स्मार्ट मूव चलना शुरू की, देखते हो बहुत जगह नौकरी अच्छे अच्छे इंजीनियर्स की एनएचपीसी में, ये सब में कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर्स रखता है ये लोग 3-4 साल का। कॉन्ट्रैक्ट पे रखने का ऑब्जेक्टिव ये, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट थोड़े होना, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने के बाद हटा दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद। हाँ बोलो, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है मैम कि काम किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसके बाद उसको काम 4 साल में कंप्लीट है, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। ये सब नहीं, लंच फन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में बताओ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैम एग्जांपल पर लीज पे लिया जाता है, लैंड लिया जाता है, फिक्स अमाउंट पे उसको किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई पूछेगा कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट्स एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ, बस इट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, मेरे और तुम्हारे बीच में अगर किसी मैटर को लेकर के एग्रीमेंट हुआ है तो तुम बीच में छोड़ सकते हो, हम बीच में छोड़ सकते हैं, उसमें कोई लॉ नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे कानूनी कार्रवाई होगी क्योंकि इट इज एनफोर्स बाय लॉ, नहीं इट इज एनफोर्स बाय लॉ। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का पेपर बनता है पूरा, तो कॉन्ट्रैक्ट में वर्कर्स लेगा या इंजीनियर्स लेगा तो क्या होगा। देखो ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे वो निकाल देता है, आप सुने होंगे कि 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो क्या करता है कंपनी अपना बेनिफिट बचाती है। हम बोले ना कॉन्ट्रैक्ट की बहुत सारे वर्कर्स को वो बेनिफिट नहीं दी जाती है जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती है, कंपनी अपना कॉस्ट बचाती है इस तरीके से, ठीक है। उस पे बहुत सारा लेबर लॉज नहीं लागू होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे, बहुत सारा चीज, और ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पे लिखा रहता है। जो मैम जो फिक्स होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पे आया होगा, दोनों एम्प्लॉय का सैलरी में तो डिफरेंट होगा, वो हां सैलरी डिफरेंट रखता है कॉन्ट्रैक्ट का, और हां हां एकदम परमानेंट एम्प्लॉय और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय में फर्क होता है। हां तो आप ये देखेंगे एलपीजी पढ़े हैं, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बाद से ग्लोबलाइजेशन कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कर बहुत ज्यादा बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ज्यादा रखा जाने लगा, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हुई ही हुई, कंपनी का भी फायदा होता है इससे, है ना। वो क्या करते हैं उस तरीके से, वो उस तरीके से अपना बेनिफिट्स बचाते हैं, और बहुत पैसा लगता है बेनिफिट्स में, लगभग आप किसी के रिक्रूटमेंट का 22% पैसा उसके बेनिफिट का पैसा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो लेबर लॉज बहुत डायमेंशन से आपको सब, ये पूरा का पूरा एक मैंने 4-5 क्लास लग जाएगा इसको समझाने, तो आप शॉर्ट पे समझिए, बताते हैं आगे बताएंगे, नहीं होगा। लेबर लॉज बहुत सारे चीजों को डायमेंशन से लेबर को प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड, सोशल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए लेबर लॉज इनैक्ट किया जाता है, जो सरकार ने किया है अलग अलग साल में अलग अलग जरूरतों के हिसाब से, ठीक है। अब
चार्ट बनाएंगे पहले लेबर लॉस। लेबर लॉस को हम चार मेन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए कैसे नाम बताया जा रहा है, प्रोटेक्टिव लेबर लॉस कैसे लेबर लॉस होंगे, तो वर्कर को प्रोटेक्ट करेंगे। अब आप प्रोटेक्शन को दो तरीके से समझ सकते हैं। देखिए पहले के टाइम पे क्या होता था, धीरे धीरे एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है ना, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, तो ये इनैक्ट बहुत पहले हो गई थी, अमेंडमेंट हो करके नया एक्ट लाके जो 48 वाला है वो अभी लागू है, उसमें संशोधन होते रहता है टाइम टू टाइम। प्रोटेक्शन हम दो तरीके से देते हैं, पहला पहले के टाइम पे वर्कर को बिल्कुल फूंस दिया जाता था कमरे या फैक्ट्री में, न लाइट आ रही है सही से, ना वहां पे प्रॉपर एरेशन है, ना वेंटिलेशन है, ना लाइटिंग नहीं होगी तो क्या होगा, आप स्ट्रेस लगेंगे आंख पे, आंख खराब होगी इन द लॉन्ग रन। ये सब क्या है, अमानवीय चीजें है ना, क्या काम करा रहे हैं और वो डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन अगर ये लॉ लाया गया इसका मतलब पहले वो काम होता हुआ होगा, अगर किसी एक्ट में ये है कि 9 साल से नीचे के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं करना है अब से, तो मतलब कि 9 के नीचे का बच्चा एम्प्लॉयड होता था तब ना उसको मना किया गया। हाँ जो भी है, तो प्रोटेक्शन आप दो तरीके से लेबर का प्रोटेक्शन दो तरीके से आप बात कर सकते हैं। पहला उसकी वर्किंग कंडीशन का प्रोटेक्शन, कि आप उससे काम ले रहे हैं तो देन यू मेंटेन अ प्रॉपर वर्किंग कंडीशन व्हिच इज ओके फॉर द लेबर टू वर्क इन। फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज एक्ट में 1948 जो हर रजिस्टर्ड फैक्ट्री पे लागू होता है, उसमें ये लिखा हुआ है कि छत की हाइट कितनी होनी चाहिए, मिनिमम माने इतनी तो होनी ही चाहिए, उसके बाद और दी जा सकती है। ठीक है, दो लोगों के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे बिल्कुल कंजस्टेड करके वर्कर्स को काम करेंगे तो एक तो काम करने में दिक्कत, दूसरा एक्सीडेंट का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मशीन पे काम होता है ना, तो फैक्ट्री के अकॉर्डिंग होता हो ना, जिसका प्रोड्यूस होता हो। देखो फैक्ट्री का तुम प्रोडक्शन इंजीनियर सुने हो, प्रोडक्शन इंजीनियर सुने, उसका काम क्या होता है, वर्किंग स्पेस करना। ठीक है, वर्किंग स्पेस को बताना कि उस स्पेस में कितना क्या स्पेस होना चाहिए, वर्किंग गैलरी कितना होना चाहिए। अब बताओ ये बेंच ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इस बेंच को माने अगर कोई मोटे पुथी से काम करे कि बस एक जाने का रास्ता ही तो होना चाहिए, आप सारा बेंच एक तरफ कर दीजिए और वहां पे थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए तो आ जा तो आप तब भी सकेंगे, लेकिन सफोकेशन लगने लगेगा इतना बेंच साथ में रहने से, तो आपको दिक्कत सी, ये सब चीजें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन ऐसे अलग अलग है तो थोड़ा सा रूम स्पेशियस लगता है, तो ये तो छोटे से रूम की बात है जहां आप डिफाइन पूरा का पूरा फैक्ट्री का मेंटेनेंस है ना, उसको बनाने में कंपनी बहुत सारी चीजें सोचती है, कॉस्ट, वेयर हाउस को पास में रखो, रॉ मटेरियल से जहाँ ढोलना है ज्यादा डिस्टेंस रखोगे ज्यादा बैटरी लगेगी, बैटरी कार से सामान ढूंढता है अंदर में, बहुत सारी चीजें को सोचना पड़ता है। प्रोटेक्शन जब हम वर्कर्स को देते हैं हम दो तरीके से बात करते हैं, एक उनके वर्किंग कंडीशन का प्रोटेक्शन कि वो किस कंडीशन में काम करते हैं, और दूसरा उनके
वेज का प्रोटेक्शन, यानी उनके पैसे का, पैसे के ऊपर किसी लेबर का ज्यादा इशू हो सकता है, बोनस देने से मालिक मना कर दे, न्यूनतम मजदूरी देने से मना कर दे, आदमी और औरत एक ही कैपेसिटी का काम करे लेकिन आदमी को ज्यादा पैसा दे, औरतों को कम। आज भी ये चीज प्रैक्टिस में लॉ आने के बाद भी एग्रीकल्चर में बहुत देखने को मिलता है ये चीज, है ना। तो वर्किंग कंडीशन और वेज, देखो तुम लोग एक्ट का नाम सुन लो, तुमको लिखना नहीं है, सेम लिखवानी है, उतना डिटेल नहीं जाना है। वर्किंग कंडीशन ये बताइए, खान में यानी माइंस में जैसे काम होता है, क्या फैक्ट्री में भी वही उसी नेचर का काम होता है? नहीं। बीड़ी और सिगार फैक्ट्री में उसी नेचर का काम होगा? अलग होगा। मोटर ट्रांसपोर्ट का जिस जो जहां पे काम होता है इंडस्ट्री में, क्या वहां उसी नेचर का काम होगा? कुछ, इसीलिए तो हम तुमको बोले कि रुको क्लास आगे बढ़ने दो, हम समझ रहे थे हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ इंडस्ट्री में नेचर ऑफ वर्क काफी अलग होता है, अलग होने की वजह से उनके लिए अलग लॉ बनाया गया, ठीक है। जैसे माइंस में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है, होने का चांस है ना, तो माइंस में एक्सीडेंट का पूरा चैप्टर कि ये हो जाएगा तो क्या, वो हो जाएगा तो क्या, इस तरीके से। देखो वर्किंग कंडीशन में क्या क्या आता है, जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द माइंस एक्ट 1952। अच्छा प्लांटेशन मालूम है? बगान, चाय बगान नहीं देखे हो, टीवी में देखे होगे ना, कैसे होता है बगान? ऐसे करके पहाड़ों पे जनरली होता है, सीढ़ीनुमा होता है, स्टेप फार्मिंग क्यों होता है? क्योंकि वहाँ सालों भर बारिश होती रहती है। एक तो पहाड़ का ज्योग्राफी ऐसा होता है कि वहाँ पे घर भी ऐसे ही खड़ा रहता है, इक्वल नहीं होता है। और प्लांटेशन बगान इस तरीके का होता है, प्लांटेशन पे काम करना नेचर ऑफ वर्क उसमें अलग होगा कि नहीं फैक्ट्री से काम करने के लिए? साल भर लगभग बारिश होती, रोज ही बारिश होती है लगभग, हाँ। तो वहां पर और प्लांटेशन बगान में जहाँ काम होता है वो शहर से थोड़ा दूर होता है, आप घूमने के लिए जाएंगे ना तो वो एक स्पॉट बना दिया जाता है गाड़ी से कि 10 spots में एक स्पॉट जोड़ लिया कि प्लांटेशन आपको दिखाने ले जाए, जो जाते हैं उनको मजा आता है लेकिन जो काम करने जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फैक्ट्रीज एक्ट में अकोमोडेशन की चर्चा नहीं है, रहने के लिए रेसिडेंस की चर्चा नहीं है। देखो नेचर ऑफ वर्क से एक्ट कैसे अलग होता है, लेकिन प्लांटेशन क्योंकि शहर से दूर होता है, therefore there is an adjustment for accommodation, ठीक है। तुमको वहां पे छाता, रेनकोट ये सब प्रोवाइड किया जाता है, रहने की बात होती है। तो इस पर वर्किंग कंडीशन में आता है the factories act 1948, the mines act 1952, the plant, the labor plantation act 1951, the beedi and cigar worker act 1966, the motor transport vehicle act 1961, ये सब वर्किंग कंडीशन में है। हाँ? नहीं, वो तुमको पढ़ याद नहीं, बस सुनो प्लांटेशन बताए, ये तो समझ में आया ना, ये समझ में आता है ना, याद रहता है, ऐसी बात नहीं है। एक्ट तुमको नहीं पढ़ना, इसलिए नहीं पढ़ना है, बहुत डिटेल है ये सब, एमबीए में जान लोगे तब पहले पढ़ना होगा। वेज, ठीक है, वेज से रिलेटेड ज्यादातर मैटर लेबर का क्या होता है? वेज से रिलेटेड होता है, पैसे की वजह से ज्यादातर तो पैसा ही रोका जाता है। वेज में भी इनएक्टमेंट है, पहले क्या होता था आजादी के पहले, सोचो द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जो बनाया गया, बंधुआ मजदूर तो थे ही, और जो बंधुआ मजदूर नहीं थे उनका भी पेमेंट रेगुलर नहीं था, कभी साथ को दिया, बंधुआ मजदूर तो अब इलीगल हो गया है, अब नहीं रख सकते यहाँ, कभी 7 तारीख को दिया, कभी 10 को दिया, कोई माय बाप नहीं पेमेंट का, कोई फिक्स डेट नहीं, तो ऐसी दिक्कत होती थी। तो जो एक कमीशन ऑफ लेबर था, रॉयल कमीशन ऑफ लेबर 1939 में फ्रेम हुआ था, उसने बोला कि नहीं, वेज पेमेंट होने की भी कोई डेट होना चाहिए, एम्प्लॉय के ऊपर भी कोई बाइंडिंग होनी चाहिए कि भाई आप इतना से इतना टाइम में कभी भी आप पे कीजिए, ताकि वो अपने घर और अपने एक्सपेंसेस को देख सके, ठीक है। तो इसमें वेज में आता है कुछ एक्ट, जैसे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948,
इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965. इक्वल रेम्युनरेशन मतलब आदमी और औरत को सेम काम करवाया, लेकिन आदमी को ज्यादा पैसा दिया और औरतों को कम. आज भी ये एग्रीकल्चर वगैरह में अभी भी बहुत होता है, अभी भी है. उसके बाद आइए रेगुलेटिव लॉस. रेगुलेट करना मतलब क्या होता है? रेगुलेट से क्या समझते हैं यहाँ पर बताइए. लेबर लॉस में किसके रिलेशन को रेगुलेट करने की बात हो रही है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशनशिप को रेगुलेट करने की बात हो रही है. रेगुलेटिव लॉज वही लॉज बताते हैं. देखिए, लॉज प्रोटेक्ट करना वो सब तो ठीक बात है, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ टीचर और स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, आप ऐसे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के रिलेशन को समझिए. आपके लिए भाई, आपके लिए अगर यहाँ एक टाइम, एक फ्रेम हो, एक पेपर पे एक रूल हो, कोई लॉ हो जो ये गवर्न करता हो कि स्टूडेंट्स क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता हो कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, हमको पता हो कि आप क्या नहीं कर सकते, और उसी लॉ में ये भी पता हो कि टीचर्स का दायरा कहाँ तक है, वो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या नहीं कर सकते, ठीक है? आपको भी पता हो कि मैम ऐसा नहीं कर सकती है, हमको भी मालूम हो कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते, क्या ये हमारे रिलेशन को रेगुलेट नहीं कर रहा है? ये बेहतरी है, कोई क्योस नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, है ना? आपको पता है आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे तो गलत हो जाएगा. मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अगर मैं उससे आगे बढ़ूं तो वो एज अ टीचर वो गलत हो जाएगा. यही चीजें रेगुलेटिव लॉज में होती है, वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है. देखो, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें हमेशा ही फटफट होती रही, क्योंकि दोनों के डिमांड्स डाइवर्जेंट होते हैं. डिमांड्स डाइवर्जेंट हैं. हम आपको बोलेंगे क्लास कीजिए, आप बोलेंगे कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, होगा? आप अपना पक्ष रखिए, हम अपना पक्ष रखते हैं, फिर देखिए. लेकिन हम बोलेंगे क्लास तो करना है, और आप बोलेंगे कि ये दिक्कत हो गई, वो दिक्कत हो गई. फिर हम अगर प्रेशर देना शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे हम अत्याचार कर रहे हैं. समझ रहे हैं? धीरे धीरे समझिए इस बात को. अगर क्लास में कोई बात कर रहा है और हम उसको बार बार मना कर रहे हैं, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आपको पता है कि क्लास डिस्टर्ब नहीं करना है, ये आप सबको मान, फिर भी अगर कुछ बच्चे क्लास डिस्टर्ब करते हैं और हम कुछ एक्शन ले लें, तो वो लोग क्या सोचेंगे कि मैम अत्याचार कर रही है? यही सोचेंगे ना. एम्प्लॉयर क्या चाहता है? कि आपका ट्रांसफर वहां हो जहां जरूरत हो मैन पावर की. आप हमेशा चाहेंगे कि आपका ट्रांसफर आपके होम टाउन में कर दिया जाए. वो चाहेगा कि आपको सैलरी थोड़ी कम दी जाए, कम में काम चला लिया जाए, और आप चाहेंगे कि पैसा और दो. वो चाहेगा कि प्रमोशन मेरिट के बेसिस पे हो, और आप चाहेंगे कि प्रमोशन टाइम बेसिस पे हो. मैं 3 साल हो गया हमको प्रमोट कर दो, नहीं किया तो मेरे ऊपर अत्याचार होगा कि नहीं? राइट कोऑर्डिनेट कभी नहीं हो पाता है, राइट कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, इसीलिए रेगुलेटिव लॉज बनाए गए यही सोच के. तो आप देख रहे हैं कि ऐसे हजारों इश्यूज और हैं. आपको वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कभी पढ़िएगा, अगर होगा सिलेबस में बहुत मजा आएगा वो पढ़ने. तो इस WPM वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि व्यूज डाइवर्जेंट होते हैं. आप जो चाह रहे हैं वो टॉकिंग, आप जो चाह रहे हैं एम्प्लॉयर उसका उल्टा चाह. तो क्या सोल्यूशन? इसीलिए लाया गया रेगुलेटिव लॉ. रेगुलेटिव लॉज में क्या क्या आता है? द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. ट्रेड यूनियन का दायरा कहाँ तक है उसको पता है,
मैनेजमेंट को पता है इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इंडस्ट्रियल ऑर्डर स्टैंडिंग एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, कब आप स्ट्राइक करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, कब हम लॉकआउट कर दें कि कंपनी ताला बंद कर दे, करते रहो काम, वो इलीगल कब हो जाए, आप कितने दिन पहले आपको नोटिस देना जरूरी है वरना आपकी स्ट्राइक इलीगल डिक्लेयर हो जाएगी, और अगर आपकी स्ट्राइक इलीगल है और तब मैंने लॉकआउट कर दिया तो मेरा लॉकआउट लीगल हो जाएगा। तो ऐसा बहुत 6-5 एक्ट में होता है, बहुत अच्छा होता है पढ़ना भी, मजा आता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी लॉज में भाई 3 लॉज आया। अब आइए सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का सारा एक्ट आप बताइए, हम सब लिखवा चुके हैं, नाम नहीं याद होगा फिर भी बताओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 1923, हाँ, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, Maternity benefit 1961, Employee State Insurance Act 1948, Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, ठीक? Social Security क्या होती है, क्यों दिया जाता है, ये सब का क्लास हो गया। अब ठीक से समझ में आ रहा होगा कि Social Security में लॉ क्यों है, और ये सिर्फ एक टाइप ऑफ लेबर लॉ है, इसीलिए लेबर लॉ बताना जरूरी था कि सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ वेलफेयर है जो तुमने बोला, लेकिन ये वेलफेयर है क्या, ये तो बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब एक आता है वेलफेयर, वेलफेयर मतलब देखो ये ना वहां पर वैसे जगह पे किया जाता है जहां पर की जैसे कोल माइंस है, माइका माइंस है, बहुत पुअर कंडीशन होती है वर्कर्स की, तो वो एक अपना फंड क्रिएट करते हैं और उससे एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आया लेबर लॉज, लेबर लॉज समझिए सिर्फ इकोनॉमिक ही नहीं, फॉर सोशल इंटरेस्ट आल्सो लेबर लॉज आर फॉर्मुलेटेड, दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम टाइम एंड अगेन, एंड सोशल सिक्योरिटी लॉ इज जस्ट अ टाइप ऑफ लेबर लॉ। और सोशल सिक्योरिटी में 3 लॉ हम पढ़ाएंगे, नॉट लॉ, यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स, यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज ग्रेच्युटी, व्हाट इज ईएसआई एंड व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, बस। ठीक है, in the next class I'll start gratuity. Thank you ma'am. Online 17.